वैसे स्त्री टू फिल्म हमारे हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जैसे कि आप सभी को बताएं, इस समय हॉरर कॉमेडी फिल्मों को ऑडियंस से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन कर रही है। तो आज हम बॉलीवुड और साउथ इंडियन शर्मा की तरफ से आने वाली कुछ बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिल्में आ रही है, तो वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक का बटन दबा दीजिए। नंबर 8 पर है भूल भुलैया 3। स्त्री 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हॉरर कॉमेडी फिल्म के बाद ऑडियंस इस फिल्म का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ये फिल्म एक बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसको डायरेक्टर अनीस बज्मी डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के लीड रोल्स में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी नजर आएंगी। फिल्म में आइकॉनिक मंजोलिका के रोल में विद्या बालन की वापसी हो रही है। रू बाबा के किरदार में कार्तिक आर्यन एक बार फिर से नजर आएंगे। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की क्लासिक हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज भूल भुलैया का थर्ड इंस्टॉलमेंट है। वहीं भूल भुलैया का थर्ड पार्ट दिवाली 2024 के खास मौके पर आने वाला है। आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। नंबर 7 पर एक कपकपी। ये फिल्म बॉलीवुड की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म रहने वाली है, जिसमें तुषार कपूर, श्रेया सलपड़े, सोनिया राठी के साथ कुछ और एक्टर्स देखने को मिलेंगे। फिल्म को डायरेक्टर संगीत सिवान डायरेक्शन दिए हैं। ये फिल्म एक जेन्युइन हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें हॉरर एंड कॉमेडी का लाजवाब कॉम्बिनेशन होने वाला है, ऐसा मेकर्स ने कहा है। फिल्म में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो थ्रिल मजे के चक्कर में मजाक मजाक में भूत बुलाने का गेम खेलते हैं, पर भूत सच में आ जाती है। जी हाँ, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर मलयालम हॉरर कॉमेडी फिल्म रोमांचम का हिंदी रीमेक रहने वाली है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारी फिल्म है। कब कभी फिल्म इस साल थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 6 पर थामा। ये फिल्म भी एक बड़ी और मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना मेन लीड में होंगी। फिल्म को डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली लो बजट सुपर हिट हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजा दे चुके हैं। ये मैडॉक के 3 सिनेमेटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म होने वाली है, इसीलिए फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बज काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। 3 मूवी में हमको ऑलरेडी इस फिल्म का हिंट देखने को मिल चुका है। इस फिल्म का टाइटल पहले वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर होने वाला था, बट अब इस फिल्म का टाइटल थामा है। मूवी में आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर के रोल में नजर आने वाले हैं। रश्मिका मंदाना फिल्म में डबल रोल पॉजिटिव और नेगेटिव किरदार में देखने को मिल सकती हैं। ये फिल्म की कहानी 2 अलग अलग पीरियड्स में सेट है, एक तो प्रेजेंट डे छोटे से नॉर्थ इंडियन टाउन में और दूसरा एंशियंट विजयनगर एम्पायर के ज़माने में। फिल्म जल्दी ही प्री प्रोडक्शन फेज में एंटर करेगी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2025 के सेकेंड हाफ तक ये हॉरर कॉमेडी फिल्म हमको देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पर है भेड़िया 2। भेड़िया 2 फिल्म एक प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म रहने वाली है। पार्ट 1 में हमको हॉरर एलिमेंट्स ना के बराबर देखने को मिले थे, लेकिन पार्ट 2 में हॉरर और कॉमेडी का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलने वाला है। भेड़िया 2 फिल्म 2022 में आई भेड़िया का सीक्वल होने वाली है, जो कि मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की इकलौती फिल्म है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी, बट मुंजा और 3 में भेड़िया वरुण धवन का कमाल का जबरदस्त कैमियो देखने के बाद भेड़िया 2 के लिए एक्साइटमेंट और बज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑडियंस इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। भेड़िया 2 फिल्म के मेन लीड में वरुण धवन एक बार फिर से भेड़िए के रोल में नजर आएंगे। वैसे भेड़िया बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कलेक्शन क्यों नहीं कर पाई थी आपके हिसाब से, लिखकर आप सभी को बताना है। फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये फिल्म 2025 के मौके पर रिलीज होगी। नंबर
नंबर फोर पर है कंचना फोर। कंचना फोर मुन्नी फ्रेंचाइज की फिफ्थ इंस्टॉलमेंट रहने वाली है। इस फ्रेंचाइज की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। सभी फिल्में ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कंचना फोर इंडियन सिनेमा की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जिस फिल्म को हमेशा की तरह राघव लॉरेंस डायरेक्ट करेंगे। फिल्म के मेन लीड में भी यही नज़र आने वाले हैं। ये मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 2025 के मौके पर पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होगी। नंबर थ्री पर है एक अनटाइटल फिल्म। ये फिल्म बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन की जोड़ी एक और हॉरर कॉमेडी फिल्म के साथ वापसी करने वाली है। भूल भुलैया जैसी क्लासिक हॉरर कॉमेडी फिल्म के बाद ये फिल्म एक बड़ी फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी जो कि ब्लैक मैजिक पर आधारित होगी। अक्षय कुमार इस फिल्म में तीन हीरोइंस के साथ रोमांस करते दिखने वाले हैं। जस्ट लाइक गरम मसाला फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले हैं। एकता कपूर इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का कोलैबोरेशन हमेशा से ही काफ़ी स्पेशल रहा है। ये दोनों मिलकर हेरा फेरी, भूल भुलैया, भागम भाग, दे दनादन और गरम मसाला जैसी एपिक मूवीज बना चुके हैं। इसलिए इस फिल्म की हाइप काफ़ी तगड़ी बनी हुई है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का मोशन पोस्टर जल्दी आउट होगा। वहीं ये फिल्म 2025 या 2026 के मौके पर रिलीज होगी। नंबर टू पर है द राजा साहब। ये फिल्म एक पैन इंडियन हॉरर कॉमेडी रोमांटिक फिल्म होगी जिसमें प्रभास मेन लीड में होंगे। कल की 2898 AD जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद प्रभास इसी फिल्म में नजर आने वाले हैं जो कि प्रभास की पहली हॉरर पिक्चर रहने वाली है। इसलिए इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट छाई हुई है। फिल्म को डायरेक्टर मारुति डायरेक्ट किए हैं। फिल्म के अंदर प्रभास के साथ तीन ब्यूटीफुल हीरोइंस देखने को मिलेंगी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार। फिल्म का स्केल हमने जो सोचा था उससे भी बड़ा होने वाला है। फिल्म के प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग फिल्म का एस्टीमेट बजट लगभग 400 करोड़ के आसपास है। ये बजट एक हॉरर कॉमेडी फिल्म के लिए काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा है भाई। इट मीन्स ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी एक्सपेंसिव हॉरर कॉमेडी फिल्म होने जा रही है। तो क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी, ये आप सबको बताना है यस और नो करके। ये मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 10 अप्रैल 2025 के मौके पर आने वाली है। नंबर वन प्लेस पर है स्त्री थ्री। स्त्री थ्री फिल्म को हम इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म कह सकते हैं जो कि बॉक्स ऑफिस को फाड़ कर रख देगी जब भी आएगी। फिल्म का ऑडियंस बेसब्री से वेट करना शुरू कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि स्त्री थ्री फिल्म को आने में थोड़ा कम वक्त लगने वाला है क्योंकि स्त्री पार्ट थ्री की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जी हाँ, अक्षय कुमार इस फिल्म के मेन विलन होने वाले हैं। स्त्री पार्ट थ्री में हमें अक्षय कुमार और श्रद्धा कपूर का आमना सामना पक्का देखने को मिलेगा। फिल्म में हमें स्त्री की ओरिजिन घटनाओं को विस्तार से दिखाया जाएगा। ये फिल्म हमको 2026 से पहले नहीं देखने को मिलेगी। तो ये थी बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली कुछ हॉरर कॉमेडी फिल्में। यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इंडियन सिनेमा की 10 सबसे बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म्स के बारे में जान सकते हो जो कि सबसे बेस्ट है, जिन फिल्मों में आप सभी को हॉरर और कॉमेडी का लाजवाब कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।